डायरेक्ट सेलिंग हम सबके मध्य एक बेहतरीन सुअवसर के रूप में है, क्योंकि सरकारें नया रोजगार सृजित कर नहीं रही है और हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो हम उसे क्यों करें, डायरेक्ट सेलिंग क्यों ना करें? और डायरेक्ट सेलिंग क्या है और हम इसको कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है जिसमें कंपनी से उत्पाद सीधे कंज्यूमर तक पहुंचता है, और इसमें बीच का जितना मुनाफा है वो हमें एक निश्चित स्लैब के जरिए दिया जाए। जैसे आप मानकर चलिए कि कोई भी उत्पाद कंपनी से 50 रुपए में चलता है तो हम तक आते आते 100 रुपए हो जाता है, तो बीच का जो 50 रुपया है वो विभिन्न माध्यमों पर खर्च होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, फिर वहां से चला तो कैरियर फॉरवर्ड एजेंसी में गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से सुपर स्टॉकिस्ट के पास आया, होलसेलर के पास आया, रिटेलर के पास आया, तब तो माल कस्टमर के यहाँ गया। तो उस दौरान जो है उत्पाद की कीमत हर समय हर जगह पर बढ़ते जाती है, लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता नहीं बढ़ती, गुणवत्ता वही है जिस गुणवत्ता का उसे बनाया गया है, परंतु उत्पाद का कीमत जो है लगातार बढ़ते चला गया। वो कीमत जो बढ़ा उसका हमें क्या मुनाफा हुआ? कुछ नहीं। उससे हमें क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग यही है, इसका नाम ये डायरेक्ट सेलिंग, प्रत्यक्ष बिक्री, प्रत्यक्ष क्रय और विक्रय। हम कंपनी द्वारा निर्धारित निश्चित जो उसके अपने प्रतिष्ठान हैं जिसको आप अंग्रेजी में शॉप बोलते हैं, तो उसके निश्चित प्रतिष्ठानों से हम उत्पाद लेते हैं और जरूरतमंद तक पहुंचाते हैं, स्वयं उपयोग में लाते हैं। इसमें दूसरा सबसे बड़ा फायदा है नेटवर्किंग। आपसे पैसे कुछ नहीं लग रहे हैं, परंतु आप लोगों तक यह उत्पाद पहुंचाते हैं, उन्हें यह उत्पाद पसंद आता है, तो उन्हें भी इस सिस्टम में लाकर आप उनकी भी एक निश्चित आय में मदद कर सकते हैं, और उनको आप लाएंगे इस सिस्टम में तो इसके क्रम में आपकी भी कुछ आमदनी बढ़ती जाएगी, बिजनेस बढ़ता जाएगा, आप ऊपर पायदान पर पहुंचते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा करियर बना सकते हैं, वो भी 0% इन्वेस्टमेंट पर, हमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और नो रिस्क, कुछ नहीं है। प्लस इसमें क्या है कि आगे आने वाले समय में हमें इससे अपार आमदनी होगी, रॉयल्टी तक इसमें मिलती है, और आप जानते होंगे भारत में रॉयल्टी 3 लोगों को मिलती है और चौथा है नेटवर्कर। एक रॉयल्टी मिलती है आविष्कारक को, यदि कोई आविष्कार करके चल गया है तो उसके पूरे परिवार को तब तक मिलते रहेगी रॉयल्टी। फिर ऑथर जो लेखक है, और तीसरा है म्यूजिशियन, और चौथे में आता है नेटवर्कर। यदि आप नहीं भी रहे तो आपका जो नेटवर्क है वो आपके नॉमिनी को अग्रेसित कर दिया जाएगा, दैट मीन्स फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और उन्हें इसका लाभ आजीवन मिलता रहेगा।